खबर इंदौर से है, जहां जूनी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सिवनी में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने मेट्रोमोनियल साइट से महिला से दोस्ती की और इसके बाद खुद को तलाकशुदा बताकर शादी करने का भी झांसा दिया। महिला से इसी बीच उसने संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार भी कर दिया। वही पुलिस अब मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। टीआई अभय नीमा के मुताबिक सिंधी कॉलोनी में रहने वाली 35 साल की महिला ने बताया कि उसकी कुछ माह पहले नरसिंहगढ़ के सिवनी में रहने वाले सुधीर सनोड़िया से पहचान हुई थी। इस दौरान सुधीर ने बताया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है और शादी करना चाहता है। दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद बातचीत बढ़ने लगी और फिर आरोपी शादी की बात करने लगा। महिला भी अपने पति से अलग रहती है, वो सुधीर की बातों में आ गई और इस दौरान सुधीर महिला से मिलने इंदौर आया, जिसमें उसने यहाँ पर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद कई बार उसने पीड़िता से मुलाकात की। आरोपी ने खुद का बिजनेस होना बताया था। पुलिस के मुताबिक अभी आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दुष्कर्म का एक मामला कंटिन्यू हुआ है, किस प्रकार का मामला था? एक 35 वर्षीय महिला द्वारा थाने पर रिपोर्ट की है कि एक व्यक्ति द्वारा मेट्रोमोनियल साइट पर उससे पहचान की गई और शादी का झांसा दिया गया उसको, शादी कर लिया और बाहर से आकर उसने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया, लगातार उसके साथ संबंध बनाए। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ का रहने वाला? आरोपी के संबंध में बहुत ज़्यादा बातें ज्ञात नहीं है। आरोपी बाहर का रहने वाला है, नरसिंहपुर सिवनी जिले का कहीं का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर और कुछ पत्र मिले हैं, उस आधार पर जांच की जा रही है, उसका एड्रेस क्लियर किया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग की बात नहीं आई है, ये उसने भी स्वयं को तलाकशुदा बताया था और शादी करने की बात करके उसके साथ महिला के साथ जबरदस्ती की है। रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।